सुप्रभात, मैं चंद्र प्रकाश, सहायक प्राध्यापक भुवन मालती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय मोतिहारी से। आज मैं बीएड प्रवेश परीक्षा हेतु भूगोल विषय से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर के उपस्थित हैं। यह महाविद्यालय भुवन मालती टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज बहुत सारे प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराता है और आज बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए हम लोग उपस्थित हैं। इस महाविद्यालय का कॉलेज कोड 184 एवं संपर्क नंबर 9128959036 एवं दूसरा नंबर है 7766919645। आज हम भारत के विभिन्न दर्रों को लेकर आए हैं और यह जो दर्रे हैं भारत के किस किस जगहों पे, किस किस राज्यों में उपस्थित है। सबसे पहले काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में है। दूसरा दर्रा जोजिला दर्रा, यह भी जम्मू कश्मीर में। तीसरा दर्रा पीर पंजाल दर्रा, यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। और बनिहाल दर्रा, यह भी जम्मू कश्मीर में ही उपस्थित है। बुर्जिला दर्रा, यह भी जम्मू कश्मीर में ही उपस्थित है। प्रश्न में कभी कभी पूछता भी है कि सबसे ज्यादा दर्रा कहाँ पे है, तो जम्मू और कश्मीर में लगभग 5 से 6 दर्रा प्रमुख हैं। अगला है सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में उपस्थित है। रोहतांग दर्रा, वह भी हिमाचल प्रदेश में है। बाड़ा लाचा दर्रा, यह भी हिमाचल प्रदेश में है। और लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा यह उत्तराखंड में अवस्थित है। माना दर्रा, माना दर्रा भी उत्तराखंड में ही है। नीति दर्रा, यह भी उत्तराखंड राज्य में ही उपस्थित है। नाथुला दर्रा, देखिए कभी कभी बहुत सारे कंपटीशन में यह नाथुला दर्रा पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नाथुला दर्रा। यह लगभग बहुत सारे कंपटीशन में पूछता है कि नाथुला दर्रा कहाँ है। यह सिक्किम राज्य में नाथुला दर्रा। जलेपसा दर्रा, यह भी सिक्किम में है, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस जो दर्रा है वह नाथुला दर्रा है। बोमडिला दर्रा, यह दर्रा हिमाचल प्रदेश में उपस्थित है। और दीपू दर्रा, वह भी अरुणाचल प्रदेश में ही उपस्थित है। तूजू दर्रा, तूजू दर्रा यह दर्रा मणिपुर राज्य में उपस्थित है। तो यह भारत के प्रमुख दर्रे हैं। इसमें 3-4 दर्रे इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला जो दर्रा आपको बताया नाथुला दर्रा, दूसरा दर्रा काराकोरम दर्रा, ये भी प्रश्न में कभी कभी पूछता है, लेकिन पेपर सेंटर कहाँ से दर्रा पूछ देंगे ये पता नहीं है। फिर भी आप सभी लोग सभी दर्रे को, जितने दर्रे आपको हमने बताया सभी दर्रे को आप याद रखिए, निश्चित रूप से कोई ना कोई दर्रा आपके प्रश्न पत्र में पूछेगा। बस आज इतना ही, अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।